उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी चौराहे पर बाइक सवार एक युवक का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाइक सवार युवक पुलिस कर्मी के द्वारा चालान काटे जाने के लिए रोकने पर पुलिस कर्मी को धमकाते हुए कहता है कि अभी जितना बड़ा कर चालान काटना है काट दो, लेकिन जब वक्त आएगा और सरकार बदलेगी तब बताएंगे तुम्हें, या तो तुम नहीं रहोगे या हम नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर बाइक सवार का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी पहुंचा है, जिसके बाद अब अधिकारी मामले की जानकारी करके बाइक सवार का पता लगाने में जुटे हैं। क्या खाओगे भाई? बता दे, कोई बात नहीं है। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो आप क्या करो, खा जाओ मुझे? वक्त बताएगा जब सरकार आएगी। मनमानी कर रहा हो ना तुम लोग? अगर अगर सरकार आए तो फिर भी हीरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी घर को चलने की? मैं तो यही रहूंगा, बस वो बता देंगे हम। ठीक ठीक बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना, गाड़ी भी करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मोहम्मद अशरफ सनोफ अब्दुल हक निवासी तजपुर मियाँ सराय का रहने वाला हूँ, और ये तीन दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तेज में आ गया था और मैंने जो है जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयतुल महिंद का एक पदाधिकारी हूँ। और मैं इस मामले में सभी से क्षमा चाहता हूँ। आज सुबह थाना कोतवाली संभल में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, ये मियाँ सराय का रहने वाला है, इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा ट्रैफिक चालान होने पर उपस्थित पुलिस वालों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया था, इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।